वसुंधरा की स्टोरी में शामिल एक और एक्ट्रेस। अश्लीलता के आरोपों पर और फंसा शिल्पा का पति, न्यूडिटी के गंदे खेल में और कितने शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। अश्लील फिल्में बनाने के आरोपों में घिरे राज कुंद्रा की स्थिति और खराब होती जा रही है। आए दिन कोई न कोई एक्ट्रेस आकर शिल्पा के पति के खिलाफ बयान दे रही है, जिसे ये साबित होता जा रहा है कि कुंद्रा पर लगे आरोपों में अभी भी और भी कई सच्चाई दफन है। मॉडल से लेकर हाई प्रोफाइल एक्ट्रेसेस अभिनेत्री के पति के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं, जिनके मुताबिक वो खुद भी कुंद्रा की शिकार हो चुकी हैं। हॉट शॉट्स नाम की जिस ऐप की जानकारी सामने आई थी, उसके बाद विक्टिम्स ने ये कहा था कि उनसे इस ऐप पर काम करने के लिए कॉन्टेक्ट किया गया था। वहीं अश्लील फिल्में करने के लिए भी कहा गया। चर्चित मॉडल पूनम पांडे से लेकर सागरिका सुमन और शर्लिन चोपड़ा जैसी और भी कई मॉडल्स ने बड़ी बातों का खुलासा किया था, लेकिन अब यहाँ इस कड़ी में एक और नया नाम आ गया है। टीवी जगत की नामी ग्रामी अभिनेत्री ने राज कुंद्रा से जुड़ी कई पोल पट्टी खोली, जिसको लेकर बहुत बड़ी सनसनी फैल गई है। इस अभिनेत्री की बातें कई हद तक राज कुंद्रा के फ्यूचर प्लान का एक नजारा भी दिखाता है। धौर नाम की इस टीवी की नामी हीरोइन ने पॉर्न इंडस्ट्री की मकर जाल की गुत्थी में कई नई बातें कही, जिसका अब तक जिक्र भी नहीं हुआ था। आपको बता दें कि राठौर ने राज कुंद्रा के सहयोगी उमेश कामत को लेकर कहा कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि उमेश ने ही उन्हें ऐप के लिए कॉन्टेक्ट किया था, जहां कामत ने जोया को न्यूड ऑडिशन देने को भी कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राठौर ने एक इंटरव्यू में कहा कि राज कुंद्रा से मेरा किसी भी तरीके से संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन उनके ऑफिस से उमेश कामत का मुझे फोन आया था। आपको बता दें कि ये वही उमेश कामत है जिसने क्राइम ब्रांच के सामने पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा का नाम लिया था। जोया ने बताया कि उमेश ने उन्हें कहा था कि वो हॉट शॉट्स नाम की एक ऐप संभाल रहा है और वो जोया को बड़ा ब्रेक दिलाने की चाहत रखता है, जिसके लिए एक्ट्रेस को न्यूड ऑडिशन भी देना पड़ेगा। वहीं जोया राठौर ने उमेश कामत को इसके लिए साफ मना कर दिया था। यहाँ अपने इंटरव्यू में टीवी एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैंने ये तो सुना था कि राज पॉर्न इंडस्ट्री को बॉलीवुड जितना बड़ा कर देना चाहते थे। हम एक्ट्रेस तो इस तरह के खेलों में सिर्फ प्यादे होते हैं और मेरे जैसे लोगों पर पॉर्न स्टार का ठप्पा लगा देते हैं। फिलहाल जोया राठौर के इस बयान की चर्चा खूब सुर्खियां बटोर रही है। वहीं एक्ट्रेस की सनसनी बातों पर एक और एक्ट्रेस का जवाब आ गया, जिसने जया के इस पूरे स्टेटमेंट पर घोर नाराजगी जताई। लेकिन यहाँ खास बात ये है कि जवाब देने वाली ये हीरोइन वही सागरिका सोना है, जिसने खुद भी राज कुंद्रा के इस केस में बिजनेसमैन के खिलाफ बातें बोली थी। अब यहाँ आरोप लगाने वाली जया राठौर को सागरिका ने कहा कि जोया राठौर ने 100 से अधिक अश्लील फिल्मों की शूटिंग की है, ऐसे में उन्हें दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। सागरिका का कहना है कि एक या दो बार या ज्यादा से ज्यादा 3 बार फंसाया जा सकता है या किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है। यहाँ सोना ने आरोप लगाने वाली और दूसरी हीरोइनों को भी गिरफ्तार करने की बात कह डाली। यहाँ अब पोर्नोग्राफी मामले में ये एक नया एंगल है, जब खुद आरोप लगाने वाली अभिनेत्री जया राठौर के बयान का विरोध जता रही है। फिलहाल ये बताना बहुत मुश्किल है कि इनमें से सच कौन बोल रही है और आखिर सच है तो है क्या। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कुंद्रा द्वारा शिकार ये एक्ट्रेसेस खींचतान में असली मुद्दे पर टिक पाएंगी, या फिर ये अपने आप में ही बयानबाजी करती रहेंगी। आपको हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।